हाय ऑल, वेलकम टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच में डिफरेंस और इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स को याद रखने का एक ट्रिक। सबसे पहले जानते हैं क्रूज मिसाइल क्या होता है। ये एक मिसाइल है जो लैंड बेस्ड टारगेट की तरफ गाइडेड होता है यूजिंग ए नेविगेशन सिस्टम। क्रूज का मतलब ही होता है गाइड करके जाना। इसमें एक नेविगेशन सिस्टम यूज होता है, जैसे हमारे इंडिया का एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। क्रूज मिसाइल्स आर नोन फॉर लो एल्टीट्यूड, ये कम ऊंचाई पे उड़ते हैं, इनकी हाई मोबिलिटी होती है, इनको गाइड किया जा सकता है, इसीलिए बहुत ही एक्यूरेटली ये टारगेट को हिट कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज होता है 300 to 1000 किलोमीटर, ऑल्दो ये 1000 किलोमीटर भी शॉर्ट रेंज नहीं है। कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं जैसे कि ब्रह्मोस, निर्भय, ये इजी टू इंटरसेप्ट होते हैं, इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं और इनकी टर्मिनल स्पीड कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स कम होती है, सो दे आर इजी टू इंटरसेप्ट। हाई प्रिसीजन बताया मैंने, ये चीपर है एंड दस सुटेबल फॉर फायरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड्स। ये है हमारा ब्रह्मोस, ये एक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक तरह का प्रोजेक्टाइल शॉट अप इन द एटमॉस्फेयर है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जैसे शॉट करते हैं और ये फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फिर ये नीचे टारगेट को हिट करता है। प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले के बाहर पहले शॉट किया जाता है, वहाँ फिर इस मिसाइल से वॉरहेड डिटैच होता है और फिर वो वॉरहेड टारगेट को आकर के हिट करता है अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके, एंड दस ट्रेसेज अ पैराबोलिक पाथ एंड हेंस द नेम बैलिस्टिक। अब जैसे आप किसी को गोली मारते हैं, एक बार आप शॉट फायर कर देते हैं तो आप उसको गाइड नहीं कर सकते, वो अपना एक पाथ फॉलो करेगा, तो दैट इज बैलिस्टिक। एग्जाम्पल है जैसे हमारा अग्नि, पृथ्वी, धनुष एक्सेट्रा, ये डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट होते हैं क्योंकि इनकी हाई टर्मिनल स्पीड होती है। टर्मिनल स्पीड क्या है? जब ये फायर किए जाते हैं दे गेन सम एक्सेलरेशन, बट आफ्टर सम पॉइंट इनकी एक्सेलरेशन बंद हो जाती है और जो वो स्पीड गेन कर चुके होते हैं उससे वो गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। ये एक्सपेंसिव होते हैं एंड दस सुटेबल फॉर फायरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लो प्रिसीजन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई नेविगेशन सिस्टम यूज नहीं होता है, फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है, तो उतना एक्यूरेट ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास तरह तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। आज हम लोग देखेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसमें है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और एक है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज में कौन कौन से हैं? पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, धनुष, शौर्य और अग्नि 1। पृथ्वी 1 का रेंज है 150 किलोमीटर, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। पृथ्वी 2 जो है वो एयरफोर्स वर्जन है और पृथ्वी 3 का रेंज है 350 किलोमीटर्स। धनुष जो है वो नेवल वर्जन है ऑफ पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2। शौर्य जो है वो हाइपरसोनिक कैनिस्टर लॉन्च्ड है, ये कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है, ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को कैरी कर सकता है। रेंज है इसका 600 से 700 किलोमीटर और वेपन पेलोड है 1000 kg। अग्नि 1 का रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, वेपन पेलोड 1000 kg। ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है, दिस इज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज में हमारा आता है अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4। अग्नि 2 का रेंज है 2000 to 3000 किलोमीटर, वेपन पेलोड 1000 kg। ये 2.5 stage सॉलिड फ्यूल्ड है। अग्नि 3 2 stage सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम और अग्नि 4 2 stage मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट। बस रेंज को आप ध्यान में रखें, जैसे जैसे आगे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती गई है रेंज हमारा बढ़ता गया है। फिर है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों नाम है? क्योंकि ये एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को हिट करने की क्षमता रखता है। इसमें हमारा अग्नि 5 है, इसका रेंज 5000 किलोमीटर तक है और ये पेलोड 1500 kg पेलोड कैरी कर सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि एक मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड्स होते हैं जिनको फायर करने के बाद ये जब डिटैच होते हैं तो ये अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेटेबल।
रीएंट्री व्हीकल्स। यहाँ से फायर किया गया, एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के डिटैच हुआ वॉरहेड, और फिर ये अलग अलग टारगेट को हिट करने की क्षमता इसमें है। दिस इज अग्नि 5। फिर है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन से जो लॉन्च हो सकते हैं। K-15 है एक, और फिर बाकी के सीरीज के मिसाइल्स हैं। K-15 को सागरिका भी बोलते हैं, और ये रेप्लिका है लैंड बेस्ड शौर्य मिसाइल का। शौर्य मिसाइल जो हमने अभी पीछे देखा उसी का ये रेप्लिका है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम से इसको हेल्प मिलती है, और ये अग्नि से मच फास्टर है। K-4 जो है उसका रेंज 3500 किलोमीटर है, वेपन पेलोड 1000 kg, न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर मिसाइल। ये अरिहंत क्लास सबमरीन में लगाने के लिए बनाया गया है। ये 50 न्यूटन वाटर प्रेशर तक बर्दाश्त कर सकता है, और ये अग्नि 3 का सबमरीन वर्जन है। K-5 और K-6 अभी अंडर डेवलपमेंट है। अब इस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैसे याद रखें, कौन कौन से ऐसे मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस हैं? ये है पृथ्वी, धनुष, शौर्य, अग्नि और सागरिका, यानी कि के सीरीज के K-15 के। याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। सतह पे खड़े होकर शौर्य ने सागर में धनुष चलाकर पृथ्वी की आग बुझाई। ये हमारे शौर्य हैं। शौर्य एक मूवी का भी नाम है जिसमें ये हीरो थे। इन्होंने पृथ्वी पे जो आग लगी हुई थी उसको धनुष चला करके सागर में इन्होंने धनुष चलाया, जिससे वहां से फिर बारिश शुरू हुई और पृथ्वी पे लगी आग बुझ गई। अब ये थोड़ा वियर्ड स्टेटमेंट है, बट आपने महाभारत रामायण देखी होगी जिसमें किंग जो होते थे एक धनुष चलाते थे और फिर बारिश होने लगती थी। बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो ये ट्रिक याद रहेगा। सतह पे खड़े होकर के, यानी कि ये सरफेस टू सरफेस है। सतह का मतलब होता है सरफेस। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। शौर्य, सागरिका, धनुष, पृथ्वी और आग से अग्नि। तो ये था आज का ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्शंस को कवर करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।